नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे एसटीटी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारा वह क्या होगा। 16 सेट होगा हमारा, ये 16वां सेट है। इसके अलावा इसका फुल लेंथ टेस्ट जो कि 30 क्वेश्चन वाला है वीडियो, वो भी आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद मैथ का भी 30 क्वेश्चन वाला वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा चैप्टर को कवर किया गया। मैथ में भी सारा चैप्टर कवर किया गया और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा प्ले लिस्ट का। इसके अलावा जितना भी रीजनिंग का 15 सेट है, इससे पहले वाला 15 सेट, इससे वाला मैथ का सारा सेट आपको नीचे लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए एडमिट कार्ड एसटी का, डाउनलोड कर लीजिए। उसका इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लेने के बाद आप एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है। चूँकि ऑनलाइन फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर में आपको जो ऑनलाइन के एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे हम क्वेश्चन वहाँ को सॉल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सारा को लाइव आपको हम दिखाएंगे इस थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, जो भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से हमारा आज। पहला क्वेश्चन कि 8:30 पर दोनों सीओ के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 85 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है और कितना आपको 70 डिग्री है। तो चलिए एक क्लॉक लेते हैं, क्लॉक लेते हैं यहाँ पे। मैं बता दूँ कि क्लॉक लेने के बाद ये टोटल कितना डिग्री का होता है। टोटल जो होता है कितना डिग्री का होता है दोस्तों, ये टोटल 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब देखिए ये है, यहाँ से यहाँ आपका कितना खटाल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 खटाल में आपका कितना डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। ये 12 जो आपका सुई घंटी सुई के बीच का जो आपका ये गैप है, ये 12 गैप है आपका, 12 गैप में कितना डिग्री बन रहा है आपको, 360 डिग्री का बन रहा है। तो आप बताइए कि ये एक में कितना बनेगा, तो एक में कितना बनेगा, 360/12 से भगा देंगे कितना बनेगा, 30 डिग्री, कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो आपको पता आप चल गया होगा कि ये जो खटाल के दोनों के बीच का होगा जो एंगल होगा, मान के चलिए ये हो गया और ये हो गया, तो इनके बीच का जो कोण होगा कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ पूछे जाएगा ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो अब पूछा आपको क्या कि 8:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो 8:30 कितना, 30 मिनट। चलिए जो घंटा का सुई होगा दोस्तों कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, पूरा पूरी 8.5, ये घंटा का सुई आपको 8, और ये क्या होगा मिनट का सुई का कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ये मिनट का सुई है, ये किसका, घंटा का सुई है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये घंटा का सुई होगा। आप देखिए यहाँ के बीच का कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। यहाँ कितना हो गया आपको, 30 डिग्री हो गया। आप देखिए ये 9-8 के पूरा बीच में, तो 8.5 मतलब 8.5 बीच हो गया। ये जब 30 डिग्री होगा दोस्तों, तो ये कितना होगा आपको, 15 डिग्री होगा। कितना होगा, 15 डिग्री। तो ये पूछता कि इसी ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये हो गया 30, ये हो गया 30, 60 हो गया, 60 15 कितना हो गया, 75 हो गया। आपका जो इसका आंसर होगा कितना होगा दोस्तों, 75 डिग्री आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर को क्वेश्चन देखिए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये दो डाइस का दिया हुआ, एक ही डाइस का दो कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे, तो उसमें पूछा कि 3 के विपरीत कौन सा होगा। आपको बताए थे कि एक कॉमन रखेंगे दोनों डाइस में, कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2, 5, 3 है, 4, 5, 2 है, तो दो आपका 2 और 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 2 भी कॉमन आ रहा है 5 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। कौन कौन कॉमन नहीं आ रहा आपका, 3 और 4 कॉमन नहीं आ रहा। अब देखिए यदि दो कॉमन आ जाए और एक कॉमन नहीं है, तो समझ जाइए कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। यदि ये दो कॉमन आ रहा, 2, 5 यहाँ भी है 2, 5 यहाँ भी है, तो कौन नहीं आ रहा, 3 और 4 कॉमन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो पूछा कि 3 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में ऑपरेशन को NODQBUJPO लिखा जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है इसका क्या लिखा जाएगा। तो O है, P है, E है, RATION ऑपरेशन हो गया, इसको क्या लिखा गया, NODQBUJPO लिखा गया है। तो O का जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, N इसका 14 होता है, ई का 16 होता है, इसका 15 होता है, ई का 5 होता है, इसका 4 होता है, आर का 18 है, क्यू का 17 होता है, एक होता है, इसका 2 होता है, ठीक है। टी का 20 हो गया, यू का 21 हो गया, आई का 9 हो गया, जे का 10 हो गया,
ओ का 15 हो गया, इसका 16 हो गया, एन का 14 हो गया, ओ का कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए 15 से 14 हो गया माइनस वन, 16 से 15 माइनस वन, एस माइनस वन, ए भी माइनस वन हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया प्लस वन हो गया, अब यहाँ से प्लस वन हो गया। तो देखिए कि एक दो तीन चार, चार तक हाफ हो गया आपका, यहाँ यहाँ तक माइनस वन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए डाटा गिन लेते हैं कितना पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है, तो चार तक आपको क्या करना है, एक घटना है ना, आई एन बी आई एस आई बी एल ई है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आपको चार गुजर हो जाएगा, तो आई का नौ होता है, एन का चौदह होता है, बी का बाईस होता है, ठीक है, आई का नौ होता है, एस का उन्नीस, आई का नौ, बी का दो, एल का बारह, ई का पाँच होता है। तो आई नौ घटा है, एक घटा है, तो नौ में एक घटा देंगे आठ हो जाएगा, एच हो जाएगा, एन में एक घटा देंगे तेरह एम हो जाएगा, बी में एक घटा देंगे यू इक्कीस हो जाएगा, आठ एक हो जाएगा आपको एच एम यू एच, ठीक है, एच एम यू एच हो जाएगा। अब एस में एक जोड़ देंगे उन्नीस, उन्नीस में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बीस, बीस किसका होता है टी होता है, आई के बाद जे हो जाएगा, बी के बाद कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा आपको, क्या आपका एच एम यू एच, एच एम यू एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब आगे क्या है आपका यहाँ पे टी जे, तो आप देखिए यहाँ भी टी जे है, आप यहाँ पे टी जे नहीं है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, चूंकि आपका जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें कोडिंग डिकोडिंग से पाँच छः क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, तो इसी को देखते हुए सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉन को 5916 होता था, नियर को 6342 लिखा जाता, तो उसी भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा, सिर्फ कोड बैठा देना, आर का कोड क्या है यहाँ पे, देखिए आर का क्या है यहाँ पे दो है, तो दो यहाँ पे लिख दीजिए। ओ कहाँ पे है दोस्तों, ओ ओ यहाँ पे, ओ का कितना है यहाँ पे, यहाँ पे ओ का कितना है नौ है, तो यहाँ पे नौ लिख देंगे, ठीक है, नौ हो जाएगा, ओ का नौ हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए का यहाँ पे देखिए क्या है, ए का यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, चार हो जाएगा। डी का कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा, तो 29 45 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं कि लॉजिक के लिए सांकेतिक भाषा बी एच एफ एन के हो तो कलर का क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या एल ओ जी आई क्या आपको सी है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपको नज़दीक वाला पार्ट को लिया गया है, यहाँ देखिए बी हो गया, ये रिवर्स करते हैं इसको, बी एच एफ एन के ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ से यहाँ ये रिवर्स कहते हैं इसको, रिवर्स होते हैं। ये सी का मान कितना होता है तीन होता है, बी का कितना होता है दो, आई का नौ, एच का कितना हो गया आठ हो गया, जी का सात होता है, ई एफ का छः होता है, ये ओ का पंद्रह होता है, इसका कितना हो गया चौदह हो गया, एल का बारह, के का ग्यारह हो जाएगा। अब देखिए यदि हम ये सी और बी में रिलेशन लेते हैं तो माइनस वन हो जाएगा, आई और एच में रिलेशन लेते हैं तो नौ से आठ चले गया माइनस वन, सात से छः लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, पंद्रह से आपको कहाँ जाना है आपको एफ होगा, पंद्रह से चौदह जाएंगे तो माइनस वन हो रहा है, मतलब सभी में क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है। तो सेम उसी प्रकार के आपको किसका लेना, सी एल ई आर के, सी एल ई आर के कलक लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डाटा होगा तो एक घटा देंगे, के का कितना होता है ग्यारह, ग्यारह में एक घटा देंगे दस कितना हो जाएगा आपको जे हो जाएगा, आर का कितना होता है अट्ठारह होता है, अट्ठारह में एक घटा देंगे सत्रह किसका हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ई का कितना होता है पाँच, पाँच पाँच में एक घटा देंगे कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, एल का बारह होता है बारह में एक घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको के हो जाएगा, ठीक है, सी का होता है तीन, तीन में एक घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, आपका क्या हो गया जे क्यू डी, जे क्यू डी के बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम, विपरीत क्रम में लिख देने पर दाईं ओर से सातवें अक्षर से बाईं ओर से पांचवां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ देखिए विपरीत क्रम है, यदि सीधा क्रम होगा तो वही बताते हैं, विपरीत क्रम होगा तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा लेफ्ट लेफ्ट और राइट दिया होगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट रहेगा क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसको याद रखिएगा, और यदि आपका राइट और राइट रहेगा तो क्या करेंगे माइनस होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विपरीत क्रम है तो पहले सीधा क्रम में देख लीजिए क्या होगा, तो विपरीत क्रम भी इसी एक साथ हो जाएगा, तो कहता कि दाईं ओर से सातवां, तो दाईं दाईं मतलब आर लेफ्ट राइट हो गया से सातवां, बाईं ओर से पंद्रहवां, बाईं ओर से लेफ्ट पंद्रहवां हो गया, ठीक है। राइट और लेफ्ट दिया हो तो क्या करेंगे, ये आपका विपरीत नहीं है, ये आपका सीधा बना रहे हैं, पंद्रह सात कितना हो जाएगा, ये आपका बाईस हो जाएगा,
पहले किसका लिखेंगे, जो पहले लिखा होगा उसी को लिखेंगे, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइट और लेफ्ट क्या होगा, राइट और लेफ्ट क्या होगा, जुटेगा, राइट हो इधर हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो पहले डाटा होगा उसको ही लिखेंगे। तो राइट से 22वां लेटर देख लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा सीधा बिला में। अब विपरीत पूछा है, तो विपरीत पूछा है तो राइट को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट कितना हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, और ये राइट कितना हो जाएगा, राइट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेफ्ट से 22वां लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से जो 22वां लेटर होता है वो क्या होता, भी होता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। रमेश विनय से लंबा है जो करण से नाटा है। अब चलिए देखिए, रमेश जो है आपका, रमेश विनय से लंबा है, तो मतलब विनय से क्या है, ये लंबा है जो करण से नाटा है, लेकिन करण से क्या है, ये नाटा है। रमेश के बारे में बोला जा रहा है कि विनय से लंबा है लेकिन करण से नाटा है, नीचे हो गया। संजय अनुपम से लंबा है, तो यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा तो इधर लिखते हैं, संजय जो है क्या है, अनुपम से लंबा है, अनुपम से लंबा है, ठीक है, किंतु विनय से नाटा है, लेकिन विनय से क्या है, ये नाटा है, विनय से नाटा है, विनय से कौन नाटा है, संजय, विनय यहाँ पे है, यदि विनय के नीचे कौन हो जाएगा आपको, संजय हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संजय हो जाएगा, और उसके नीचे कौन हो जाएगा आपको, अनुपम हो जाएगा। तो पूछा गया कि उनमें सबसे लंबा कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपको, करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है और विशाखा दाएं से 17वें स्थान पर, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विशाखा दाएं से 15वीं हो जाती है, तो उस कतार में कुल कितने लड़के हैं। चलिए देखिए, लड़कियों की कतार, लड़कों की कतार में अनिल बाएं से 15वां है, ये जो अनिल जो है 15वां है, ये लेफ्ट से क्या हो, अनिल है, उसके बाद बोला कि विशाखा दाएं से, विशाखा जो दाएं से है आपका, ये विशाखा जो है दाएं से कितना है, ये आपका 7वां है, कितना आपका 7वां है। यदि दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो विशाखा दाएं से कहाँ चल जाती है, ये आपका स्थान बदलता है, ये कितना स्थान पर चली जाती है, 15वें स्थान पर चले जाती है, कहाँ पे चल जाती है, 15वें स्थान पर चले जाती है। तो आप बताइए कि कतार में कुल कितने लड़कियां हैं, तो कितने लड़के हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बता दूँ जब ये 7 से 15 स्थान पर कितना आदमी को पार किया होगा, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 खुद कितना हो गया, 15 हो गया। जब ये विशाखा जब यहाँ पे गया तो कितना आदमी को पार किया, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी को, ये भी 7 आदमी को पार किया होगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला कि टोटल कितना होगा, ठीक है, बीच में कितना लड़का लड़की है, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि किस स्थान पे चले गया, मतलब ये इधर से गया तो ये किस स्थान पे जाएगा, ठीक है। तो टोटल देखिए क्या करेंगे, टोटल की क्या बोले थे कि लेफ्ट अब प्लस राइट, अब माइनस 1 करेंगे टोटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपको इधर से क्या हो गया, राइट से इधर हो गया लेफ्ट से, लेफ्ट राइट है, तो 15 15 कितना हो गया, 30 30 में घटा देंगे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 माइनस 1 कितना होगा, 30 में से घटा देंगे 29 हो जाएगा। अब इधर से ये देखिए इसका स्थान कितना होगा, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 खुद कितना होगा, 23वां हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, इधर से क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इधर से क्या हो गया, राइट हो गया, दोनों को ऐड करते हैं, 23 प्लस 7 माइनस 1 ये भी 29 आ रहा है। बीच में पूछेगा बीच में कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, बीच में कितना लड़का या लड़की होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इधर से ये किस स्थान पर चले गया, किस स्थान पर चले जाएगा, ये 23वां स्थान पर चले जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, सिर्फ पूछा में कुल कितने लड़के हैं, तो ऑप्शन नंबर 29 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि एम एन का भाई है, तो एम ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, एम एन का भाई है, तो जिधर कन्फर्म रिलेशन होगा उधर एरो दे देंगे, ठीक है, भाई हो गया। उसके बाद कहता है कि बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, बी क्या है, एन का भाई है, ठीक है, एम डी का भाई है, एम किसका भाई है, डी का भाई है, ठीक है, डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन जो है इसका भाई नहीं है, ये जब भाई नहीं होगा तो कौन होगा आपका, ये बहन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है, एन डी का भाई नहीं, बताए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आपको, बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए को गुना बी को भागा सी को प्लस डी को माइनस, तो इसको सॉल्व करना है कि क्या होगा। अब देखिए 21 है, सी है 3 है, डी है 6 है, ए है 8 है, बी है और 2 है, तो सी को क्या लिखा गया है, तो सी को क्या लिखा गया है प्लस, तो 21 प्लस 3, और डी को क्या लिखा गया है
डी को माइनस लिखा गया है, माइनस छः हो जाएगा। ए को क्या लिखा गया, गुना लिखा गया है, और बी को क्या लिखा गया, भागा लिखा गया है। तो सबसे पहले भागा होगा, 21 प्लस 3 माइनस 6, ये दो से भागा देंगे, 4 हो जाएगा, गुना 4, गुना करेंगे उसके बाद 6 चौका 24, 21 प्लस 3 गुना 6 चौका 24, 21 24 यहाँ देखिए 21 और 3 24 जोड़ेंगे कितना हो गया, 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 8 भागा 6 बराबर 1, 20 भागा 6 बराबर 7, 100 भागा 8 बराबर 46 हो तो 55 भागा 5 कितना होगा। देखिए 8 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 2, 8 में से 6 घटा देंगे कितना हो गया, 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा आपको, 2 का 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 20 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको, 14, 14 में 2 से भगा देंगे 7 हो जाएगा। 100 में 8 घटा देंगे कितना होगा आपको, 92 हो जाएगा, 92 में 2 से भगा देंगे 46 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे है आपका, 55 में 5 घटा देंगे कितना होगा, 50 हो जाएगा, 25 में 2 से भगा दें, 50 में 2 से भगा देंगे 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पशु आकृति में प्रिंट करना है कौन सा होगा, तो ये हो गया पशु, ये हो गया सब्जी, और ये आलू। अब सब्जी देखिए, सब्जी के अंदर क्या आता है, आलू आता है, और पशु ये दोनों से भिन्न है तो पशु अलग हो जाएगा, तो ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर में सी आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।